हेलो दोस्तों, मैं फिजल। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे भाई कैसे अपनी न्यू अर्टिगा ZXi मॉडल है, स्मार्ट हाइब्रिड वाला मॉडल है, तो इसमें कैसे कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ एक मोबाइल के साथ में। तो इसमें जो सिस्टम आता है ना, वो एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ ZXi में कौन सा वाला आता है। तो वेरियंट की बात करूँ तो भाई ये चार वेरियंट में आती है, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस। तो ये स्पेसिफिक वेरियंट ZXi है, इसमें ऐसा वाला आता है टच स्क्रीन। ये टच स्क्रीन ही है, मतलब टच सेंसिटिव बटन है, कोई बटन वटन वगैरह नहीं है। अगर आप टच करोगे तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाता है और यहाँ माइनस करोगे तो माइनस हो जाए, मतलब टच वाला है ये। कोई वो नहीं है कि आपको बटन प्रेस करना होगा। तो म्यूट कर लेते एक बार। तो देख लो ऐसे ये कुछ छोटी सी स्क्रीन आती है, ये रेडियो लिखा है जिसमें, ये बस इतनी पतली सी। ZXi प्लस में ना आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, ये इसी में ही यहाँ पे। उसमें आपको टच वगैरह का सिस्टम होता है, लेकिन ZXi, VXi और LXi में तो आता ही नहीं। ZXi और VXi ज़्यादा बिकते हैं इनके मॉडल, क्योंकि VXi वगैरह आपका टैक्सी में ज़्यादा होता है वाइट रंग का, और ZXi वगैरह भाई उससे ऊपर जो लोग अपनी फैमिली वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, तो वो तो यही दो मॉडल ज़्यादा बिकते। तो इनमें ऐसा आता है टच स्क्रीन। तो इसमें बता दो कैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होगा इसमें। तो अभी मैंने सब कुछ अनपेयर कर रखा है, ये वाला मोबाइल है, पहले इसमें पेयर था, अब मैंने इसमें अनपेयर कर दिया आपको दिखाने के लिए। तो ऐसी कुछ इसकी चाबी आती है स्मार्ट की, पूरा इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल। जो स्टॉक आता है ना वो सेम ऐसा आता है लिखा हुआ सामने। ये रेडियो अपना यहाँ से, अगर आप ये म्यूट कर रखा है, म्यूट का बटन दबा दिया तो चल गया, देख लो 93.5, और इसी को बंद कर दिया तो ये अपना रेडियो चल रहा है। कहीं ब्लूटूथ का साइन नहीं आ रहा कि कनेक्शन हो चुका है कि नहीं हो चुका। अब आपको कनेक्ट करने के लिए ना, ब्लूटूथ के लिए आप ये वाला जो स्टेयरिंग पे बटन है ये दबा सकते हो, ये वाला ब्लूटूथ जिसका साइन है। वरना आपका ये मीडिया 2 लिखा है ना यहाँ पे, ये रहा, मीडिया 2 को होल्ड रखो और आपका ब्लूटूथ खुल जाएगा। ये देखना, मीडिया 2 को होल्ड रखूं तो ये अपना ब्लूटूथ लिखा हुआ आ गया, नो ऑडियो यहाँ दिखा, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है अभी, कोई ऑडियो वगैरह नहीं चल रहा। और ये रहा अपना, कोई अपना साइन नहीं आ रहा कि कनेक्ट हो गया। तो यहाँ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये आपको यहाँ पे मीडिया 2 में यहाँ पर मैंने कर दिया ना क्लिक, उसके बाद आप यहाँ कर दो ब्लूटूथ पे, जो स्टेयरिंग पे, एक बार दूर से दिखा दो कौन सा ये बटन है। यहाँ तो आपको MID के कंट्रोल ये सब मिल जाएंगे, और ये आपका हो गया कॉल उठाने, काटने और ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ का एक बार आप क्लिक करोगे ना, ऊपर की साइड दबाओगे ऐसे, तो ऊपर की साइड दबाया तो वहाँ देखना, तो यहाँ आ गया अपना सेटअप ब्लूटूथ। और ये ट्विन डायरेक्ट जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इसके नीचे करोगे तो नीचे हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ऊपर होगा। टच सेंसिटिव बटन है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बटन दबाना पड़ेगा, ख़राब हो गया या नहीं होगा, ये पूरा टच पैनल इस टच सेंसिटिव है। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा ना, इसे होल्ड रखोगे तो पूरी स्क्रीन बंद हो जाएगी, फिर से आपको वो पैटर्न करना पड़ेगा। तो देख लो डिस्प्ले एंटर लिखा है 6, ये एंटर का बटन है, सेटअप ब्लूटूथ है, एंटर 6 पे दबाएंगे, ये हो गया आपका पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, ये लिखा हुआ, एंड लिस्ट फोन आ गया, एंड नीचे करेंगे तो लिस्ट ऑडियो, और ये आपकी पास की, पास की आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। 000 आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट आएगा कि आपकी पास की सेट है। 0 ब्लूटूथ पावर ऑन रहेगा, ब्लूटूथ इन्फो, आप सब कुछ, अगर आपको इन पे घुसना है ना अंदर, ये अंदर अंदर क्या है, तो आपको 6 दबाना है, सिंपल 6 दबा दोगे तो एंटर हो जाएगा उसके अंदर। 6 और इन्हीं का ही खेल है सारा, ट्यून ट्रैक का, बस ऊपर करना है आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ पेयरिंग लिखा हुआ है, पेयरिंग पे क्लिक करना है, ये आपका सर्चिंग मांगने लग गया, देख लो पेयरिंग माई कार है इसका नाम, माई कार करके है ब्लूटूथ का नाम, सर्चिंग मांग रहा है। अब इसमें आपको दिखा तो कैसे होगा, 2 बज रहे हैं, ब्लूटूथ खोल लेते हैं, ये दिखा हुआ माई कार अवेलेबल डिवाइसेस में आ गया। अब पेयरिंग ये देख लो, आपको दिख रहा होगा, पेयर कर लेंगे, आप देखना यहाँ क्या आएगा, ये आ गया कनेक्टेड का साइन, देख लो यहाँ दिख रहा है ना, पेयर हो चुका है। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, ऑटो ट्रांसफर ये लिखा हुआ आएगा, ऑटो ट्रांसफर यस है, अगर नीचे करेंगे ट्विन ट्रैक से ही नीचे होगा नो, और ऊपर करेंगे तो यस। तो आपको एंटर दबाने के लिए मैंने क्या बताया था, 6 बटन दबाने को कहा था, तो 6 ऑटो ट्रांसफर ऑन हो गया ऐसे। अब इसको बैक करना है तो यहाँ बैक का ही साइन है, ये रहा, ये बैक का साइन है 5 वाला, आप यहीं से बैक करते जाओ, बैक करते जाओ, बैक यहाँ से बैक करते जाओ, ये आ गया। अब अपना सॉन्ग
पहले यहाँ नो ऑडियो लिखा रहा था, अब यहाँ पे नो टाइटल, नो टाइटल सॉन्ग। तो आप ना अब कुछ भी चलाओगे सॉन्ग, एक आपको सॉन्ग चला के और दिखा देता हूँ, नो कॉपीराइट वर्जन। NCS का सॉन्ग चला देते हैं। कौन सा चलाया जाए, ये चला देते हैं। अब ये साउंड पूरा गाड़ी का, 6 स्पीकर है इसमें, एक ट्विटर यहाँ, एक ट्विटर यहाँ। पूरी वीडियो में एक बार बता दूं मैं इसकी साउंड सिस्टम की, मैंने आई बटन में डाल दिया। इसका पूरा मज़ा लेना है ना बिल्कुल अच्छे से, तो वो मैंने उसी वीडियो में बताया कैसे इसकी एक बोतल हिल रही थी पूरी गाड़ी में पानी से, इतने बढ़िया स्पीकर हैं इसके। अभी तो आपको बस मैं 10-15 सेकंड का साउंड सुना देता हूँ कैसा चल रहा है। अब म्यूट है ना, तो म्यूट दबा दिया मैंने, तो ये म्यूट आ रहा है यहाँ से, ये वाला बटन। म्यूट को ऑन कर देते हैं। अभी मोबाइल बंद हो गया था, अब सुनो, यहाँ से अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और यहाँ से भी ऑप्शन है। तो ये था भाई ब्लूटूथ कनेक्शन वाला पूरा वीडियो, तो आपका मैंने इजी वे में समझा दिया सारा कुछ, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे समझाया। पूरी वीडियो देखनी हो, जिसने देख लिया उसको भाई समझ आ गया होगा, जिसने नहीं देखी उसको समझ नहीं आया, क्योंकि जो गाड़ी ये प्लान कर रहा है लेने की, तो ये सब सिस्टम सीख लेगा, तो आगे चल के आपको कोई सी भी वीडियो आप ये मेरी सेव कर सकते हो, यहीं से आप देख सकते हो कभी भी आपको समझ नहीं आए। तो ये था भाई वीडियो अर्टिका के ब्लूटूथ को लेके ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंस्टाग्राम स्क्रीन पे शो हो रहा है fazal_202, तो यहाँ आ जाके आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना, आपका भाई ऐसी वीडियो मज़ेदार लाता रहेगा अर्टिका को लेके और गाड़ी को भी लेके। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, ओके बाय बाय।